आज इस वीडियो में मैं मोटो G52 जो कि अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है ये स्मार्टफोन, इसका कंप्लीट रिव्यू बताएंगे। ये स्मार्टफोन कैसा है, क्या है, किनको लेना चाहिए और किनका नहीं लेना चाहिए, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताएंगे। और लास्टली जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये स्मार्टफोन जो है अंडर 15 के का स्मार्टफोन है, यानी कि इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB, उसका प्राइस 14,499 रुपये रखा गया है। तो मतलब अंडर 15 के का यह स्मार्टफोन है। और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें डिस्प्ले 6.6 इंच का एक प्लास्टिक OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि सिंपल OLED डिस्प्ले जो होता है उससे बेटर डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में बढ़िया फ़ोन है। वहीं बात करें इसमें प्रोसेसर का, इसमें एक 4G प्रोसेसर लगा है, स्नैपड्रैगन 680, जो कि एक 4G प्रोसेसर है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ ये प्रोसेसर है। तो बैटरी बैकअप ठीक ठाक मिल जाएगा और पावर भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि एक 4G प्रोसेसर है और ये अंडर 15K के स्मार्टफोन में लगाया गया है 680, तो उतना तो बहुत ज़्यादा हैवी पावरफुल परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्रोसेसर कहेंगे। बाकी बात करें इसके अदर फीचर का, तो कैमरा इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप सस्ता था, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा मिल जाएगा। और वहीं फ्रंट कैमरा में सेल्फी कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें कि Full HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। और वहीं रियर कैमरा से आप Full HD में 30 FPS पे रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। और बैटरी 5000mAh का मिल जाता है और 33W का इसमें फास्ट चार्जर, और साथ ही साथ डुअल 4G के साथ आता है, मतलब दोनों स्लॉट में 4G सिम को लगा सकते हो, ये सब इसमें मिल जाता है। और साथ ही साथ इस डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट 90Hz के साथ ये आता है। और यहाँ पे साथ ही साथ इसमें जो है सिम स्लॉट है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। और साथ ही साथ इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। और इसमें स्पीकर में डुअल स्पीकर के साथ आता है और दोनों जो है डॉल्बी साउंड को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छा बात लगा। और इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हो 1TB तक का इसमें मेमोरी कार्ड। तो मोटा मोटी मिला करके अगर हर चीज़ को देखें, और साथ साथ थोड़ा बहुत वाटर रेसिस्टेंट भी ये फ़ोन होने वाला है, तो अगर ओवरऑल देखें तो ये स्मार्टफोन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं कह सकते। इस स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, व्हाट्सएप चलाना, कॉलिंग करना, मैसेजिंग करना, वीडियोज वॉच करना, अगर इस तरीके का आपका यूज है तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को लीजिए। इस प्राइस रेंज में सब कुछ अच्छा मिल रहा है, इससे बेटर आपको कोई दूसरा नहीं दे पाएगा अभी के लेटेस्ट में इस प्राइस रेंज में, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन आप जरा सा भी हैवी यूजर हैं, गेम खेलना पसंद है आपको, या फिर एडिटिंग करना, या कुछ भी हैवी वर्क के लिए आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर इस स्मार्टफोन को आप फॉरगेट कर दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज यह स्मार्टफोन को अगर आप हैवी यूजर हैं लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यह स्मार्टफोन। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस प्राइस रेंज में हर चीज़ को जिस तरीके से बैलेंस करने का कोशिश किया गया है मोटरोला के तरफ से वो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बहुत और बेटर कर सकते थे। कैमरा क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, चाहे वो रियर हो या फ्रंट कैमरा हो, और वहीं प्रोसेसर भी 4G मिल रहा है, तो जिनको 5G के लिए लगता है कि 5G स्मार्टफोन होना चाहिए इस प्राइस रेंज में, या और उन वो 5G के लिए अगर जाना चाहते हैं स्मार्टफोन में, तो इस स्मार्टफोन आप फॉरगेट कर दीजिए। ये बस एक नॉर्मल यूजर के लिए बनाया गया है और बाकी किन्हीं के लिए नहीं। और वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी स्मार्टफोन को अगर परचेज करना चाहते हैं, परचेज करते हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए आप प्रोसेसर का। प्रोसेसर ही सबसे मेन पार्ट होता है, और फिर डिस्प्ले, फिर कैमरा। इन तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। अगर ये तीन चीज़ किसी भी स्मार्टफोन में आपको मिल रहा है, अगर आपको न्यू लेना है, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। वैसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।